हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सिक्स क्लास एंड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, बहुत सारी जगह पर होती है। किस वजह से होती है, क्या उसका रीज़न है, ये हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ रहे हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और अपनी बॉडी में जो जो मूवमेंट होती है उनके बारे में ऑब्जर्व करो उन्हें। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग यूअर आइज, आपकी आँख झपक रही होगी टाइम टू टाइम, बार बार। ऑब्जर्व द मोमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीद, सांस लेती हो तो भी आपकी बॉडी जो चेस्ट का पार्ट है वो ऊपर नीचे होता है। देर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडीज, हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट है जो होती है। वेन यू आर राइटिंग इन यूअर नोटबुक, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो, विच पार्ट ऑफ बॉडी आर यू मूविंग, तो आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट हिलाते हो। और वैन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, या आप मुड़कर अपने फ्रेंड को देखते हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, आपके बॉडी एक जगह पर रहती है लेकिन आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है। लाइक हम गर्दन हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, ये सब क्या है, मूवमेंट है। इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पर रहते हैं और अपने बॉडी पार्ट से हिला पाते हैं, हम खुद भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल कंपाउंड, आप उठते हो अपने टीचर के पास जाते हो, या स्कूल में जाते हो, घर जाते हो स्कूल से। यू वॉक, चलते हो, भागते हो, स्किप, रस्सी कूदते हो, जंप करते हो, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो। लेट्स सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फीलिंग, टेबल 8.1। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके, टीचर्स एंड पेरेंट, टीचर्स और पेरेंट्स से बात करके। बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स, बूजो है वो हैरान होता है कि प्लांट्स में कैसे मूवमेंट होती है। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसे ये पता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन क्या ऐसा है कि वो एक जगह पर रहकर ही उनके पार्ट्स हिलते हों, आप भी बताइएगा मुझे। जब ये वीडियो देखो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा प्लांट्स कैसे मूव करते हैं। ये देखिए काउ है वो कैसे चलती है, लेग से चलती है, और करती क्या है, वॉक करती है। ह्यूमंस है हम भी लेग्स पे चलते हैं, वॉक रन बहुत कुछ करते हैं। स्नेक है होल बॉडी, मतलब पूरा स्नेक ऐसे ऐसे चलता है, और स्लीपर बोलते हैं उसको। बर्ड है वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, विंग्स से करते हैं। इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, ये सब फील करनी है आपको। वॉक रन फ्लाई जंप क्रीप, वॉक चलना, रन भागना, फ्लाई उड़ना, जंप कूदना। इंसेक्ट है वो जंप हो सकता है, क्रीप रेंगना, क्रॉल रेंगना, स्लीथर स्नेक वाला रेंगना, एंड स्विम तैरना। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कुछ तरीके हैं जिन मेथड से एनिमल्स मूव करते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेज इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर एनिमल्स में इतना डिफरेंट क्यों है कि सब एक जैसे क्यों नहीं चलते, अलग अलग क्यों है सबका मेथड। व्हाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक व्हाइल स्नेक स्लीथर और क्रॉल और ए फिश स्विम, ऐसा क्यों है कि कुछ एनिमल्स चलते हैं, स्नेक है वो रेंगते हैं, या फिश है वो तैरती है। नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स लुक क्लोजली एट सम ऑफ आर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद, ये हम खुद की मूवमेंट देखते हैं। बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, सभी एनिमल्स में देखने से पहले हम खुद की देखते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप स्कूल में एक्सरसाइज को एन्जॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, उस टाइम अपने हाथ और पैरों को कैसे मूव करते हो। लेट्स ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ, जिसकी हमारी बॉडी में कैपेसिटी है जिस टाइप की मूवमेंट करने में, वो हम करके देखते हैं। बॉल एंड इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, इमेज करो एक बॉल, बॉल पर विकेट पे जा रही है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो आप अपने हाथ को कैसे हिलाओगे जब आपको विकेट पे बॉल पहुँचानी है। Did you rotate it? क्या आप उसे घुमा के लाते हो। At the shoulder, अपने shoulder पे, in a circular movement, ऐसे।
Did your shoulder also move? क्या आपका shoulder भी move करता है? Lie down, नीचे सो जाइए. And rotate your leg at the hip, और अपनी टांग को भी ऐसे गोल घुमाइए. Bend your arm at the elbow, अपनी कोहनी तक मोड़िए. And the leg at the near घुटने पे टांग को मोड़िए. Stretch your arm, अपने हाथ को सीधा कीजिए. Bend your arm, अपने हाथ को इतना मोड़िए कि आपके शोल्डर को टच कर सको आप अपनी फिंगर से. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड बेंड, कौन सा पार्ट फिंगर का, कौन सा पार्ट या आर्म का कौन सा पार्ट है जो बेंड होता है. स्ट्रेटन योर आर्म, अपने हाथ को सीधा करो. एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, और दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करो कोहनी से दूसरी तरफ. आर यू एबल टू डू इट, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को मूव करने की कोशिश कीजिए. रिकॉर्ड द मूवमेंट इन टेबल, और यहाँ पर टेबल में टाइम नोट करना या कैसे मूव करता है वो नोट करना है. वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट्स ऑफ आर बॉडी, हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को अच्छे से मूव कर सकते हैं लेकिन कुछ को कुछ डायरेक्शन में कर सकते हैं दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर सकते. ये सब क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है.